नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सरकार ने राज्यों को राजस्व घटाने के तहत पांचवी बार अनुदान दिया है। इस किश्त में 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पांचवी किश्त के जारी होने के साथ ही चालू वित्त वर्ष में PDRD के तौर पर पांच राज्यों को कुल 49,355 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिक्स डोज लगाने को लेकर स्टडी करने की इजाजत दे दी है। सूत्रों का कहना है कि यह स्टडी और इसके क्लिनिकल ट्रायल वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित किए जाएंगे। CDSCO की एक विशेषज्ञ समिति ने दोनों वैक्सीन के मिश्रण के लिए 29 जुलाई को अध्ययन करने की सिफारिश की थी। राजद के पोस्टर पर तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं होने के मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर तेज प्रताप यादव पत्रकारों पर भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में पत्रकारों को FIR, मानहानि और PIL करने की धमकी दी है और कहा है कि आप लोग हैं क्या, मैं आप सभी के पोर्टल होने के खिलाफ जनहित याचिका और प्राथमिकी दर्ज जरूर करूंगा। DRDO ने आज सफलतापूर्वक स्वदेशी तकनीक वाली क्रूज मिसाइल को सफल परीक्षण कर दिया है। इस स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल को ओडिशा के बालासोर से टेस्ट किया गया है। सूत्रों के अनुसार मिसाइल तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी तक गई। आज राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए। इस बाबत नायडू ने कहा कि जब कृषि कानून का विरोध करते हुए कुछ सांसद मेज पर बैठ गए और अन्य सदस्य सदन की मेज पर चढ़ गए, तब इस राज्यसभा की सारी पवित्रता खत्म हो गई। बिहार के सारण जिले में रहने वाले एक शख्स ने बड़ी धूमधाम के साथ अपने पिता की शव यात्रा निकाली। दरअसल इस युवक के पिता की उम्र 104 साल हो गई थी, जो उसके बाद ही उनके गुजर जाने पर धूमधाम से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। लंबे समय से फिल्मी पर्दे से दूर रही लारा दत्ता जल्द ही फिल्म बेल बॉटम के जरिए कमबैक करने वाली है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म ने फैंस के दिलों में हलचल पैदा कर दी है। बता दें, इस फिल्म में एक्ट्रेस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में नजर आएंगी। टोक्यो ओलंपिक में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाली प्रियंका गोस्वामी अपने घर मेरठ लौट चुकी है। मंगलवार को मेरठ लौटने पर प्रियंका का जोरदार स्वागत किया गया। ज्ञात हो प्रियंका रेस वॉकिंग में 17वें नंबर पर आई थी। अक्षरा सिंह ने स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में को स्टार के साथ लिंकअप की खबरों को लेकर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं पवन सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उनके साथ अनुभव बहुत ही खराब रहा। बता दें कि साल 2019 में दोनों के बीच ब्रेकअप की खबरें आई थी। इसी बीच उन्होंने पवन सिंह पर केस भी किया था। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही मानसून सत्र के तहत 13 अगस्त तक चलने वाली थी, लेकिन हंगामा देख कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। TMC नेताओं पर मामला दर्ज। त्रिपुरा पुलिस ने TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी और ममता बैनर्जी की पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ पुलिसकर्मियों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में मामला दर्ज कर दिया है। बिहार और झारखंड के बीच सामाजिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत और बेहतर करने के लिहाज से प्रस्तावित पुल के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। बिहार सरकार ने निर्माण की प्रशासनिक मंजूरी देते हुए साफ कर दिया है कि यह पुल 2024 तक बनकर तैयार होगी। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर प्रकाश राज हाल ही में एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं, जिसके कारण उन्हें फ्रैक्चर आ गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ही ट्वीट करके दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जल्द ही इसके लिए हैदराबाद जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई थी, लेकिन राज्यों ने इस बात से इनकार कर दिया था। इन सबके बीच पंजाब ने ऑक्सीजन की कमी की बात को मान लिया है और 4 संदिग्धों की जान जाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल बिहार की उपेक्षा में करीब 7 रुपए सस्ता है। इस वजह से अधिकांश लोग बिहार के बजाय यूपी में ईंधन लेने चले जाते हैं। इसके कारण पेट्रोल पंप संचालकों की आमदनी घट गई है। आलम यह है कि बिहार के कैमूर जिले के लोग यूपी जाने पर मजबूर हैं। BCCI ने NCA के क्रिकेट हेड के लिए फिर से आवेदन मांगा है, जिसके तहत ही अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष आज लंदन पहुंच रहे हैं। वो शास्त्री और टीम के साथ बातचीत करेंगे और भारतीय क्रिकेट के दौरे और भविष्य को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर एक सर्वे के माध्यम से 5 चुनावी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की जनता से उम्मीदवारों के चयन को लेकर विभिन्न मुद्दों पर राय मांगी है। सर्वे में लोगों से राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों का ब्यौरा मांगा गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 2019-20 में 3,623 करोड़ रुपए से अधिक आय दिखाई है। इसमें से भाजपा को सिर्फ चुनावी फंड से 2,555 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भाजपा ने अपने चुनावी खर्च और आम प्रचार के हिस्से के रूप में विज्ञापनों पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी एडमिशन 2021 प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिसके तहत कक्षा 11वीं में एडमिशन पाने के इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ओडिशा सरकार ने राज्य में खेलों के लिए बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने को लेकर 693.35 करोड़ रुपए की लागत में 89 बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन की एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने के बाद जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे उन्हें दोबारा इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की कंपनी आईसेरा बायोलॉजिकल कोविड-19 की नई दवा का परीक्षण कर रही है, जिससे कोरोना संक्रमित मरीज सिर्फ 90 घंटे में ठीक हो जाएंगे। आईसेरा बायोलॉजिकल की कोरोना की दवा घोड़ों की एंटीबॉडी से बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ से पैदा हुई स्थिति पर स्थानीय प्रशासन से विस्तृत चर्चा कर जायजा लिया है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक केंद्र की तरफ से कोरोना वैक्सीन की 53 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। वहीं साझा की गई जानकारी के अनुसार 72,40,250 खुराक जल्द से जल्द सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 38,353 नए केस सामने आए हैं, जिसके तहत अभी देश में 386,351 एक्टिव केस है, जो कि पिछले 140 दिनों के बाद सबसे कम दर्ज किए गए हैं। सरकार को चालू वित्त वर्ष के अंत तक जीवन बीमा निगम को लिस्टेड करने और राज्य द्वारा संचालित कंपनियों से लाभांश के रूप में 500 अरब रुपए यानी कि 6.72 अरब डॉलर जुटाने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। भारत के 12 शहर नासा की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक ग्लोबल वार्मिंग के चलते ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने के कारण ओखा, मोरमुगाओ, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, कोची, पारादीप और पश्चिमी बंगाल कोपोर का नाम पानी में डूब जाएगा। अगले साल 15 अगस्त से पहले देश को नया संसद भवन मिल जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को बताया कि नए संसद भवन का निर्माण अगले वर्ष 15 अगस्त से पहले पूरा होने की उम्मीद है। ज्ञात हो नए संसद भवन के निर्माण पर कुल 971 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। सुनील शेट्टी आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें, सुनील ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी बेटी आथिया शेट्टी के जन्म से 2 महीने पहले ही कदम रखा था। सुनील शेट्टी की पहली फिल्म का नाम बलवान था, जिसमें एक्ट्रेस दिव्या भारती भी मौजूद थी। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को प्रभावी ढंग से रद्द करने के बाद जम्मू और कश्मीर के बाहर के 2 व्यक्तियों ने ही 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में संपत्तियां खरीदी है, जिसकी जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर में दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ओमकार सिंह, मिस्टर बिहारी फैक्स, कुंदन कुमार, श्रवण कुमार, अनवर हुसैन, विश्वभूषण रॉय, किंग मेकर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोरोना की दूसरी लहर में किसी की भी जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं जाने का केंद्र सरकार का दावा आपके अनुसार सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना